आज मैं बता रही हूँ आपको कि अगर हमारे पुराने कपड़े टाइट हो जाएं तो हम उनको दोबारा से खोल के किस तरह से बना सकते हैं अपने लिए। यहाँ से देखें, ये कमीज़ में सिलाई लगी हुई है और इसको हमें यहाँ से हिप्स के पास से खोलना होगा। तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे हम खोल के कि इसमें हिप्स के पास हमारा कितना कपड़ा है। तो यहाँ पे 1 इंच कपड़ा है, तो ये यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें खोल के चाकू पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और अगर इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तो हम पाइपिंग लगाएंगे, और अगर हमारी देखेंगे गुंजाइश इतनी है तो फिर हम इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखें, ये सिली हुई कमीज़ है और ये अस्तर वाली कमीज़ है हमारी। तो हम इसको दोबारा से खोल के और फिर बताएंगे आपको कि किस तरह से हमें इसको लूज़ करना है। सबसे पहले हमें यहाँ से इसके चाकू को खोलना होगा। यहाँ से मैं चाकू को खोलूँगी, पूरे चाक खोल दूँगी इसके। तो यहाँ से देखिए, चेस्ट के पास से भी खोलना होगा, तो मैं आस्तीन को पूरा नहीं निकालूँगी, सिर्फ यहाँ से इसको इतना सा उधेड़ूँगी। ये देखें आस्तीन का, यहाँ से ये आस्तीन कमीज़ का जॉइंट और आस्तीन का जॉइंट, ये दोनों जॉइंट बस इतनी सी हमें जगह को उधेड़ना होगा। और यहाँ से चाकू को खोलेंगे, हम इसके चाक दोबारा खोल देंगे। खोलने के बाद फिर हम इसको दोबारा से बताएंगे आपको किस तरह मोड़ना होगा। तो चले मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, जिस तरह यहाँ से फोल्ड हुआ होता है, तो मैंने इसको उधेड़ लिया है और ये खोल लिया है पूरा हमने। तो अब यहाँ पे हम इसको इस्त्री करके सीधा कर लेंगे। तो पहले हम इस्त्री से इसको सीधा करेंगे। तो इसको हमने इस्त्री से सीधा करने के बाद सबको खोल लिया है, और यहाँ से हमने आस्तीन को भी, ये आस्तीन का पोर्शन देखें तो मुझे ये पूरा ही लूज़ करना है। तो मैंने आस्तीन को यहाँ से बस थोड़ा सा उधेड़ा है, यानी कि ये पूरा नहीं उधेड़ा हमने। तो यहाँ से हम पूरा उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उधेड़ेंगे और फिर इसकी सिलाई को हम यहाँ से पूरे मिला देंगे इसके साथ। तो इसको सिलाई को हम और पीछे करके फिर यहाँ पे लाके इसको इससे मिला देंगे। तो फिर यहाँ पे साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको इसके साथ मिला के बंद कर दूँगी। तो पहले हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इसको पूरा ही लूज़ करना है। तो देखें, जिस तरह हम कटिंग करते वक्त आपको बताते हैं यहाँ पर ये निशान लगाने, तो इन निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। और यहाँ पे चौक की सिलाई पहले हमारी इधर लगी हुई थी, और अब हमको थोड़ा सा इधर करके लगाएंगे इसको। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, पहले हमारी सिलाई इधर लगी हुई थी, पहले जो सिलाई थी वो इस तरफ थी, और अब मैं इधर इसको इधर करके लगा दूँगी और इसको चौक को बिल्कुल पतला सा करके मोड़ लूँगी। तो ये हम जो यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग का कपड़ा देते हैं, तो ये हमारा देने का मकसद ही यही होता है कि अगर बाद में कभी टाइट हो जाए तो हम इसको आराम से खोल सकते हैं। तो चलें हम इसकी अपने यहाँ से दोबारा से दबा के फिटिंग कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे साइड से भी इसको दबा लेंगे। तो ये दोनों तरफ की हमने फिटिंग कर ली है। तो अब यहाँ से ये आस्तीन वाला पार्ट है हमारा, तो आस्तीन वाला हम इसको इस तरह दबाएंगे। तो यहाँ से इसको इतना पकड़ के हम देख लेंगे, जितना हमने कमीज़ को लूज़ किया है इतना ही हमें आस्तीन को भी लूज़ करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये मोंडे वाला हिस्सा है, तो यहाँ से इसको इस तरह से पहले मैं दबा दूँगी, और ये जो सिलाई लगाऊँगी इस सिलाई को फिर इसके साथ मिला दूँगी। अगर आस्तीन को भी लूज़ करना है तो जिस तरह मैंने हटा के सिलाई को लगाया है, इसी तरह आप भी हटा के सिलाई को लगा के आस्तीन भी लूज़ कर सकते हैं आराम से। अब ये देखें, आस्तीन की हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसको जिस तरह से हमें गोल मोंडा लगाना होता है, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे और इसको एक को इस तरह फोल्ड कर देंगे। आस्तीन को भी यहाँ पे सिलाई लगा के, ये थोड़ी सी ही सिलाई है, तकरीबन 2 इंच की सिलाई लगानी पड़ेगी, और ये आस्तीन भी हमारी ज्वाइंट हो जाएगी इसके साथ। तो ये देखें, आस्तीन ने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगानी पड़ी है, और आस्तीन भी आराम से लग गई है ये। तो अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, इतना अंदर कपड़ा इसमें गुंजाइश थी कि इसको हमने इस तरह से दोबारा से नया लुक दे दिया, और दोबारा से इसकी फिटिंग भी करके लूज़ कर दिया है इसको। अब यहाँ से इसके हम चाक बना लेंगे। तो चाक वही सिंपल तरीका है, पहले ज़्यादा चौड़े मुड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे कपड़ा हमारे पास कम है, तो हम ये इसको इस तरह पतला करके मोड़ देंगे।
तो यहाँ से देखें मैंने आस्तीन को उधेड़ा और आस्तीन को भी मुझे लूज़ करना था, तो अब यहाँ से हमने देखें इसको उधेड़ के खोल लिया है, तो इसके अंदर भी हमें 1 इंच का कपड़ा मिल गया है यहाँ पर। तो ये आस्तीन भी इस तरह लूज़ हो गई है। तो यहाँ से भी देखें हमने जब इसको खोल लिया है तो 1-1 इंच का कपड़ा हमें यहाँ से भी मिल गया है। तो इस तरह हमारा दामन भी थोड़ा चौड़ा हो गया है। तो ये देखें अब हमारी कमीज़ तैयार है इस तरह।